इतना ही बर्बाद मैं। साड़ी में साबुन लगा के छुड़ा दूं सारे दाग मैं। तेरे साए हैं मेरे साथ में जो मैं धो रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो। इसको तो परसों ही धोया था। तुम्हें पता है ना समीर, मैं कपड़े एक बार से ज्यादा बार नहीं पहनती। अब इन्हें जल्दी से धोकर सुखाओ। अरे ठंड का मौसम है, सूखने में टाइम लगेगा। सूरज थोड़ी हो जाऊंगा मैं। सूरज हो भी नहीं पाओगे, वो अपनी बीवी की हर बात मानता है। उसे डरपोक कहते हैं। अरे पलकों पे बैठा के रखता है वो। तो मैंने कौन सा तुम्हें कांटों पे बिठा के रखा है? पेटीकोट से लेकर ठंडी के कोट तक सब तो धोता हूँ मैं। अरे समीर जल्दी धो, मुझे पार्लर जाना है, टाइम बर्बाद मत करो। अरे बर्बाद तो मेरी जिंदगी हो गई है, पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने। अरे कपड़े धोने का साबुन है, मुंह धोने का साबुन है, अरे कोई पाप धोने का साबुन बनाओ रे। पंडित तू? यही तो है पाप धोने का साबुन। लेकिन ये तो लड़की है। अरे यही तो जिंदगी बदलेगी तुम दोनों की। मतलब रिश्ता लाए उतने बेटे के लिए। उम्र कहाँ है उसकी, बहुत छोटा है, ये तो कानून के खिलाफ है। अरे खिलाफ तो तेरी बेबी भी रहती है, कुछ कर पाया आज तक तो कानून क्या कर लेगा? सोच, अगर तेरी बहू आ गई तो तू आराम से बैठा रहेगा, राजा महाराजा की तरह तेरी खातिरदारी होगी। सोच कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अमन मानेगा नहीं। अरे मानेगा कैसे नहीं, तू बाप है उसका। दहेज में मिले मारुति सुजुकी अल्टो से जब तू उतरेगा तो पूरे गांव में तेरे चर्चे होंगे। सोच कैसा लगेगा। अच्छा तो लगेगा। ये ले लड़के वालों का पता, मैंने उन्हें बता दिया है, कल जाके देख लेना। पापा मैं नहीं करूंगा शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे बेटा उम्र को रख ताखे में, बात मेरी डाल माथे में। सुन, तेरी माँ के अलावा एक और औरत होगी घर, फिर तुझे बर्तन धोने से छुट्टी, तुझे प्यार से नहलाएगी, नरम नरम हाथों से खिलाएगी, फिर तू हीरो की तरह उसके पास। सोच कैसा लगेगा। सोच पापा, लड़की देखने कब चल रहे हैं? जल्दी करो, लेट हो रहा है। तुम मायके जा रही हो, आज तो रुक जाती। कोई बात नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगा, आओ बैठो, छोड़ दूंगा। ये मेरे मेकअप का सामान है।
पापा मैं कहाँ बैठूंगा? आहा आहा, पापा आराम से नीचे भूकंप आ रखा है। बचपन में तो जिद करता था आगे बैठने के लिए, आज क्या हो गया है? पापा भैंस कहाँ? अरे पापा आराम से ले चलो। अरे पापा कंट्रोल ले। जैक, अरे बचाओ कोई। जैक, डैड नहीं, डैड, अरे उठाओ। मम्मी कहाँ है? मम्मी? ओह नो! बचाओ! हाय हाय हाय! और सब कैसे हैं? मिठाई तो ठीक है, लेकिन समोसे के साथ वो लहसुन वाली चटनी मिल जाती ना भाई साहब, मजा ही आ जाता। क्यों? मतलब घर पे सब कैसे हैं? घर वाले तो सब यही हैं, अब हम तीन ही हैं। बस भाई साहब अब जल्दी से लड़की को बुलाइए। अच्छा अच्छा, अरे बेटी रूप रानी। लीजिए, चाय लीजिए। और बेटा क्या क्या आता है तुम्हें? अरे बहुत ही होनहार है मेरी बेटी, कुछ भी पूछे एकदम गूगल की तरह जवाब देती है। बेटी बताओ पापा क्या क्या नाम है? सूरज शर्मा नाम है। देखा, वाह। बेटी सो के पहले क्या आता है? 99। कहा था ना मैंने कितनी होनहार है। हाँ हाँ तो है ही। बेटा चाय की पत्ती में कौन सी पत्ती होती है? नीम की पत्ती कि चाय की पत्ती? चाय की पत्ती। वाह वाह, क्या जवाब दिया। वाह, हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। शर्मा जी हमें बहू नहीं बेटी चाहिए। बेटी? वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। अरे अब इस उम्र में कहाँ कर पाऊंगा। अरे यही तो उम्र है करने की। अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है। भाभी जी कोने में चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो कहा करने के लिए। अरे मैंने कन्यादान की बात की थी और आप गुप्त दान करने चले थे। चलिए बैठिए वहाँ, कुछ तो सम कीजिए। भाभी जी स्वर्ग से आपको देख रही होंगी। अरे स्वर्ग नहीं, वो तो मायके गई है। मायके? कितने तकदीर वाले हैं आप, सबकी किस्मत ऐसी कहाँ। शर्मा जी हम यही चाहते हैं कि आपकी लड़की हमारे बेटे को खुश रखे। अरे पूरे गांव को खुश करके रखा है हमारी बेटी ने। तुम्हारा फुद्दू सा लड़का किस खेत की मूली है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। मेरी बेटी को कराटे कुंफू योगा सब कुछ आता है। चलो बेटी ससुर जी को योगा करके दिखाओ, यहाँ आओ। अरे अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं क्या, आओ बेटी। दो तीन चार। बहुत पावरफुल लड़की है आपकी। जो भी है सौदा आपके सामने है। सौदा? अरे अभी आपने कहा इसका नाम रूप रानी है। देखिए शादी के लिए नाम बदलवाने की जरूरत नहीं है, फिर आधार कार्ड में दिक्कत हो जाती है। अरे नहीं नहीं, इसका नाम रूप रानी ही है। मैं कह रहा था कुछ दान दहेज की बात हो जाए।
दहेज? देखिए हम दहेज को हाथ तक नहीं लगाएंगे। बस एक मारुति सुजुकी अल्टो हमारे घर भिजवा दीजिएगा। और अल्टो? अरे भाई, हम तो ठेले पे सब्जी बेचते हैं, हमें इतनी औकात नहीं है कि हम आपको अल्टो दें। ठेले पे? चलिए ठीक है, लेकिन आपकी लड़की को खाना बनाना तो आता ही होगा। खाना? अरे इसे मुंह बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता? आज चुप करिए पापा, इसे बर्तन तो धोना आता ही होगा। इसे झगड़े में सिर्फ लोगों को धोना आता है, बर्तन नहीं। क्या बर्तन भी धोना नहीं आता? पापा, अरे इसे आता क्या है? आता है, बहुत आता है बेटा। आलू कहाँ पाया जाता है? जमीन के नीचे। देखा? चुप करिए आप। अरे रूप रानी नहीं महारानी है, हमें नहीं करनी कोई शादी। अरे समधे जी, आप तो नाराज हो गए। अरे कौन समधे जी, तू ठेले वाला, अपनी औकात देख। औकात की बात मत कीजिए। सही बात है, औकात तो औकात वालों की, तेरी थोड़ी है। तेरा जवान बहुत चलता है समीर, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी बॉल को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, छोटे लोगों से हाथ नहीं मिला। तेरा लड़का कुंवारा बनेगा। अपनी लड़की की सोच इतना जरूर ठीक नहीं। 21 साल का जवान लड़का रखने वाले रिश्तों की परवाह नहीं करते। Guys, move!